वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसके NCERT के फुल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए अपने NCERT के सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट फर्स्ट, जो कि हमारा पेज नंबर 61 पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला ऑफ CO2। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, दैट इज CO2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जब भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोगों को जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2.4। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, जिसकी वजह से क्या करे, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो जाएगी? 2.6। अब इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन को हम लोग जो है बेटा सेंटर में रख ले रहे हैं और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसके एडजेसेंट में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग सपोज़ कर ले रहे हैं, लेट कर लीजिए कि जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, हम लोगों ने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, और ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम लोगों ने उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें बेटा, तो देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोशल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोगों ने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोशल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो ऑक्सीजन है आपका, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से क्या कहेगा कि यार देखो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अब तुम हमें अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे दो तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इस कार्बन ने क्या कहा, इस कार्बन ने कहा कि यार तुम हमसे ले लो शेयरिंग के लिए। अब ठीक इसी तरीके से क्या हुआ, इस वाले ऑक्सीजन ने भी क्या कहा कि यार तुम्हारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं हमको शेयरिंग के लिए दे दो, जिससे हमारी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और हम स्टेबल हो जाएं। तो देखिए कार्बन क्या था, कार्बन दानी भी था और होशियार भी था। इसने कहा ठीक है तुम ले लो हमसे, लेकिन ऐसा करो ना कि यार देखो हमारे आउटर मोस्ट शेल में भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तुम लोग भी हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दो इंडिविजुअली, ऑक्सीजन से मांग लिए इसने। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि भाई ये देखिए ऑक्सीजन हो गया, अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक इसी तरीके से बेटा इस वाले ऑक्सीजन ने भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। बचा आपका कार्बन, अब कार्बन भी होशियार था, उसने कहा देखो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो शेयरिंग के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो शेयरिंग के लिए, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर हम लोग देखें बेटा तो आपका जो CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। अब आप लोग जो है देखिए, यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो देखिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा CO2 मॉलिक्यूल का। अब देखिए हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो देखिए अगेन हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को सल्फर का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सिंपल सी बात है, अगर बेटा आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बेटा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है, तो आपका जो सल्फर है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2.8.6। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो
तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को और पता होनी चाहिए कि जो आपका सल्फर है बेटा, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? इसकी एटॉमिसिटी 8 होती है। अब एटॉमिसिटी क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअल में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस S8 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे आपके सल्फर के 8 एटम्स हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बेटा आपने इधर भी कर लिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आप ये साइड साइड में 1-1 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हो और ऊपर आप 2-2 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हो। तो अभी मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझाऊंगा, पहले आप लोग आराम से जो है स्ट्रक्चर को देख लो। ठीक, अगेन हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस सल्फर के भी 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया, इस सल्फर को भी सेम हम लोगों ने इसी प्रोसेस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए यहाँ से बेटा अगर आप लोग देखो, तो देखिए हम लोगों ने सभी सल्फर के जो वैलेंस सेल थे उनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम लोग बेटा इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो ये सल्फर क्या कहेगा, ये सल्फर कहेगा यार तुम एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो और तुम भी हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, जिससे हम क्या करें अपनी आउटर मोस्ट शेल को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए आपका ये जो सल्फर है एक्चुअल में ये इस तरीके से अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। अब ये वाला सल्फर भी होशियार है, इसने कहा कि यार देखो तुमने हमसे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए तो ले लिया, लेकिन हमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है शेयरिंग के लिए। तो ये वाला सल्फर क्या करेगा, ये वाला सल्फर जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लेगा। तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स को गिनते रहना, देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ठीक है, देखिए आपके आउटर मोस्ट शेल में 80 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक, अब यार ये वाला जो सल्फर था आपका, ये वाला सल्फर भी होशियार था, इसने कहा यार देखो भाई तुमने हमसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया शेयरिंग के लिए, हमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस वाले सल्फर से लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने इस वाले सल्फर से लिया। तो यहाँ पे आप लोग जरा देखो, यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से देखो भाई, ये देखिए आप लोग, आपका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया 5, 6, 7 और देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया 8। देखो स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक इसी तरीके से अब ये वाला सल्फर क्या कह रहा है कि यार एक इलेक्ट्रॉन तुम हमें शेयरिंग के लिए दे दो और एक इलेक्ट्रॉन तुम हमें शेयरिंग के लिए दे दो, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो देखो भाई इस वाले सल्फर ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया। देखो स्टेबल हो गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, हो गया स्टेबल कि नहीं हो गया। अब ये वाला सल्फर भी सेम प्रोसेस को रिपीट करेगा। तो देखो भाई इस तरीके से देखो, इस वाले सल्फर ने अपनी आउटर मोस्ट शेल को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया कि नहीं कर लिया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन, हो गया स्टेबल कि नहीं हो गया। अगेन आप लोग देखिए ये वाला सल्फर क्या करेगा, ये वाला सल्फर इस वाले सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इस वाले सल्फर के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ से देखो ये आपका देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, सेम प्रोसेस बेटा आपकी यहाँ पे अगेन रिपीट हो जाएगी भाई, एक इलेक्ट्रॉन आपका देखो ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगेन आपका बॉन्ड बन जाएगा। लास्ट आपका बचा बेटा, तो ये वाला सल्फर क्या करेगा, ये वाला सल्फर कहेगा तुम भी हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम भी हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम स्टेबल हो जाएं। तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा बेटा, वो सल्फर का कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। ठीक है, जब भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बेटा, तो क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई।
तो देखिए आपका ये क्या हो गया बेटा, ये आपका सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या है बेटा, ये आपके सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोग जो है सेट नंबर सेकंड को देखते हैं, जो कि हमारा पेज नंबर 68 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को पेंटेन गिवन है और हमको इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, ओके। सबसे पहले तो बेटा हम लोग जो है पेंटेन को डायरेक्ट स्ट्रेट चेन बना दें, भाई स्ट्रेट चेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। देखिए हमारा स्ट्रेट चेन हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब देखो बेटा हम लोग ब्रांचिंग भी कर सकते हैं, तो अगर हम लोग ब्रांच चेन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3 CH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा आपका क्या आ जाएगा, CH, यहाँ पे CH3 कर दो बेटा, यहाँ पे CH कर लो और यहाँ पे CH3 कर लो, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए 2 मिथाइल 2 पे आपका क्या लगा हुआ, 2 मिथाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका सेकेंड आइसोमर हो गया। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं, थर्ड वाले में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग दूसरी ब्रांच अगर निकालना चाहें तो देखिए 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, तो 1 2 और 3, और बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी 1 कार्बन इधर लगा दे रहे। तो देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 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 एंड CH3, इसकी नेमिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पे क्या लगे, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 2.2 डाई मिथाइल, ठीक। और चेन आपके कितने एटम की है, 3 एटम की, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन, 2.2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से देखिए आपके पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 एंड 3। तो देखिए आपके पेंटेन के बेटा 3 स्ट्रक्चर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर कार्बन की कौन सी ऐसी 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, या ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो इसका रीज़न होगा बेटा, दैट इज इट्स टेट्रावेलेंसी। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2.4, ठीक है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बेटा क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये क्या करता है बेटा, ये बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, क्या कहता है, तुम भी आ जाओ, जिसकी वजह से हम क्या बना लें, हम स्टेबल हो जाएं। अब देखिए जिस तरीके से जो है आपकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब पावर में आती हैं तो वो क्या करती हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो है अपने फेवर में करती हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कार्बन भी क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो ये क्या करता है, सबके साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स क्या करते हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं बड़े ईजिली, तो ये ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। अब सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है बेटा, दैट इज इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हमारा जो कार्बन होता है इसकी हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखिए किसी भी एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन, ठीक है। तो देखिए कार्बन की जो बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं,
ये आपके ब्रांच चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रांचिंग भी हो जाती है, और यही कार्बन के कंपाउंड्स आपके रिंग चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी रिंग बन गई, ठीक है, तीन कार्बन की। इसी तरीके से यहाँ पे चार कार्बन की भी रिंग बन सकती है। इस वजह से क्या होता है कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखिए जब भी हम लोग जो है साइक्लो वर्ड को सुनेंगे तो साइक्लो का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होने वाला है आपका, रिंग स्ट्रक्चर होने वाला है। तो आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो है यहाँ पे एक फ्रेम प्लॉट कर लिया। अगर 5 कार्बन का आपका मॉलिक्यूल है तो आपका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है। तो बहुत ईजी हो गया, चलो बनाते हैं भाई। तो देखिए कार्बन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होगा, 6 होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा बेटा, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा स्टेबल होने के लिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हम लोग जो है डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सपोज कर ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए एक कार्बन यहाँ पे आ गया हमारा, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन गया। नाउ आप देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे बनेंगे बेटा, ये आपके डॉट से होंगे रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा चैप्टर है, देखिए बहुत आसान होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाना, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग जो है हमेशा स्ट्रक्चर गलत बना देते हो। अब देखिए इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अभी हाइड्रोजन बचा है, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन को बेटा हम लोगों ने यहाँ पे इन दो एटम्स के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास 10 हाइड्रोजन है ना, तो सबके पास कितने कितने जाएंगे, दो दो हाइड्रोजन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन आ गए कि नहीं आ गए। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी आपके दो हाइड्रोजन आ गए, सेम आपके बेटा दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, दो हाइड्रोजन आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब जरा आप लोग यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर को देखिए बेटा, ये वाला कार्बन देखिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से ले लिया। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो गया कि नहीं हो गया बेटा, आप लोग जो है बड़े आसानी से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो गया भाई, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये वाले हाइड्रोजन ने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन ने कहा बेटा हम तुम्हें देंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए, लेकिन हमें भी तो अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट करना है। तो इसने क्या किया बेटा, इस तरीके से यहाँ पे अपने बॉन्ड बना लिए भाई, ये भी स्टेबल हो गया, इसने भी शेयरिंग कर ली एक एक इलेक्ट्रॉन की। अब सेम प्रोसेस बेटा क्या हो गया आपकी, रिपीट करेगी, बार बार यही प्रोसेस आपके क्या करने वाली है, रिपीट करने वाली है। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए आपके, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन ये, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, और दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लिया। देखिए कार्बन के आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब बचा आपका हाइड्रोजन बेटा, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। तो देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर आपका। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करनी है भाई, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये,
दो इलेक्ट्रॉन इधर चार हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के छः और दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के, तो देखिए आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगेन आपने क्या किया बेटा, सेम प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो देखिए आपका कार्बन का इधर स्टेबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई, आपका कार्बन स्टेबल हो गया। नाउ अब हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट को स्टेबल कर लो, हो गया कि नहीं हो गया भाई। सेम प्रोसेस बेटा आप यहाँ पे रिपीट करिए। देखिए दो इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इधर चार इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आपके ये छः इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा ये आपका कुछ इस तरीके का होगा कि नहीं होगा, स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा। देखो बेटा स्ट्रक्चर को देखते रहना, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। ये देखिए आपके आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन भी बेटा क्या करेगा, अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन की भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई। सेम प्रोसेस आपकी डायरेक्ट इस वाले कार्बन के साथ हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो हमारा कार्बन बच रहा था इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो देखो ये भी स्टेबल हो गया। सिमिलरली क्या करेगा, हाइड्रोजन अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, C5H10 का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा हम लोगों को इथेनोइक एसिड गिवन है। अब इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेटा इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो देखिए C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और OH, और यहाँ पे आपके तीन हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आपसे स्ट्रक्चर बनाने को बोले बेटा तो आपको ये बनाना है, और जब आप लोगों से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो अभी जो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवाया था उस तरीके से बनाना। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमको ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर हम लोग ब्रोमोपेंटेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखें तो दैट इज C5H11Br, ठीक है, क्योंकि ब्रोमोपेंटेन है भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बेटा 5 कार्बन्स की चेन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CH3, ठीक, CH2, ठीक है बेटा CH2, यहाँ पे भी आपके CH2 हो गया, ये भी आपका CH2 हो गया, ठीक, ये भी आपका क्या हो गया CH2, और ये आपका क्या हो गया बेटा Br हो गया, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, यह आपका स्ट्रक्चर जो है ब्रोमोपेंटेन का हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन को देखें बेटा, तो सबसे पहले आप लोग बताओ ब्यूटेनॉन में कौन सा ग्रुप है भाई, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है बेटा, सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके एग्जाम्स में कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट, हेक्सेनल, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हेक्सेनल है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके 6 कार्बन होंगे जिसमें एक आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, ठीक। तो हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर ले रहे हैं, C5H11CHO, ठीक है। तो देखिए CH3, देन आपका ये क्या हो जाएगा बेटा CH2, फिर आपका क्या आ जाएगा CH2, देन आपका CH2,
ये प्रोसेस कब तक चलेगी भाई, 5 कार्बन के एटम तक चलेगी कि नहीं चलेगी? तो देखिए CH3 CH2 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 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन? क्या जो आपका ब्रोमोपेंटेन गिवन था, अभी आप लोगों ने ब्रोमोपेंटेन को देखा था, क्या इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो हाँ बेटा, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो चलो हम लोग जो है ड्रॉ करके देख लेते हैं भाई। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका क्या आ जाएगा, CH3 CH2 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 एंड CH2 Br। तो देखिए आपका ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग ब्रांचिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्रांचिंग करेंगे तो देखिए CH3 CH, यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं बेटा, CH2 Br लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 CH2 एंड CH3, ठीक। तो देखिए एक आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं इसके तीसरे आइसोमर को। तो देखिए CH3 CH, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, CH3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH2 CH2। यहाँ पे अगर बेटा आप लोग सेकेंड वाले को देखो तो सेकेंड वाले में बेटा यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसके पास 5 कार्बन है ना, यहाँ पे देखिए गलती से 6 हो गए थे, ठीक है। तो इसको आप कट कर दीजिए, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH CH2 Br CH2 CH3। अगर हम लोग नेक्स्ट आइसोमर को ड्रॉ करें बेटा, तो देखिए CH3 CH CH2 CH2 CH3, देखिए 5 कार्बन होगा हमारे पास बेटा। अब यहाँ पे आपका Br आ जाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को जोड़े तो देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन, 2 8 2 10 1 11, ठीक। तो देखिए C5H11 Br हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर हम लोग बेटा इसके फोर्थ आइसोमर को ड्रॉ करें, देखिए तो आपके 3 हो गए। अब फोर्थ आइसोमर को अगर हम लोग बेटा ड्रॉ करें तो देखिए 1 2 3, अब यहाँ पे एक कार्बन सेट कर दो, एक कार्बन यहाँ पे सेट कर दो, ठीक। तो ये देखिए CH2 Br CH3 CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बेटा आपका जो ब्रोमोपेंटेन है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं पॉसिबल हैं। अब आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका और भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स? तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को नेमिंग करनी है, ठीक है। तो पहला कंपाउंड क्या गिवन है, CH3 CH2 Br। तो हम लोग हमेशा बेटा नेमिंग यहाँ से करेंगे, 1, 2। तो देखिए 2 कार्बन है हमारे पास और 1 पे क्या लगा है, ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 की चेन है तो इथेन होगा कि नहीं होगा, तो 1 ब्रोमो इथेन। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक्चुअल में जो आपका स्ट्रक्चर ये क्या है, HCHO, दैट इज। अब देखिए फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या लिखा है आपका, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाए कि नहीं लगाए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, मीथेनल। यह आपका क्या कहलाएगा, मीथेनल कहलाएगा, या आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम होगा, IUPAC नेम होगा, दैट इज मीथेनल। अब हम लोग जो है थर्ड कंपाउंड को देखते हैं, दैट इज CH3 CH2 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 CH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा आपका एल्काइनिक ग्रुप है, तो सबसे पहले नेमिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या लगा है, एल्काइन ग्रुप लगा है, लगाए कि नहीं लगाए। तो देखिए आपके इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, या तो आप लोग इसको जो है 1 आइन हेक्स लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग जो है इसको क्या लिख सकते हो, हेक्स 1 आइन, ठीक है।
अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट सेट को देखते हैं, दैट इज सेट नंबर थर्ड, जो कि हमारे पेज नंबर 71 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में कन्वर्जन होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो तुम लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाओ तो देखिए, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C2H5OH, यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग इथेनोइक एसिड की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपके दो ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आपका इथेनॉल का कन्वर्जन इथेनोइक एसिड में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो ये आपका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम का एडिशन हो रहा है। तो इस वजह से आपका ये जो कन्वर्जन होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास इथाइन है, ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, इथाइन है, यह आपका इथाइन हो गया। हम लोगों ने क्या किया बेटा, इथाइन का बर्निंग कराया, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि क्यों ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, तो ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है दैट इज एन इनकम्प्लीट कम्बशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये आपका क्या होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये इनफ हीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और जो भी हमारा मेटल होगा उसको ये मेल्ट नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई ये जो आपका मिक्सचर है इथाइन का ऑक्सीजन के साथ, हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं वेल्डिंग के लिए। अब हम लोग जो है सेट नंबर 4 को देखते हैं, जो कि हमारे पेज नंबर 74 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड ए कार्बोजाइलिक एसिड। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि किस तरीके से आप लोग जो है एक्सपेरिमेंटली अल्कोहल और कार्बोजाइलिक एसिड को क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उनको अलग कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है इसके आंसर को देखें, तो जर्नली बेटा इसके लिए हम लोग जो है दो टेस्ट को कर ले रहे हैं, एक हमारा लिटमस टेस्ट एंड सेकेंड वन इज सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग लिटमस टेस्ट करेंगे और अल्कोहल को लिटमस पेपर के पास लेकर के आएंगे, तो हमारी सोल्यूशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, हमारा जो लिटमस पेपर होगा या जो आपकी सोल्यूशन होगी उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड की बात करें, तो क्योंकि हमारा क्या है बेटा, एसिड है, तो जब भी आपका एसिड जो है लिटमस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, रेड कलर का हो जाएगा। भाई आपकी जो ब्लू कलर की सोल्यूशन होगी ये आपकी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम लोग सेकेंड टेस्ट को देखें, क्योंकि हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली ये टेस्ट करने हैं बेटा, तो सेकेंड टेस्ट हमारा क्या होता है, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लोग कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले लो या मेटल का बाइकार्बोनेट ले लो, जब उसकी टेस्ट आप लोग अल्कोहल के साथ कराओगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे जब हम लोग जो है किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन अकर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होती है। तो देखिए इन दोनों टेस्ट के बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अल्कोहल और कार्बोजाइलिक एसिड को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जो किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका एग्जांपल क्या जाएगा, दैट इज
K2Cr2O7। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेट को देखते हैं, सेट नंबर 5, जो कि हमारे पेज नंबर 76 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वुड यू बी एबल टू चेक इफ द वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि क्या तुम बता सकते हो डिटर्जेंट का यूज करके कि हमारा वाटर हार्ड है कि सॉफ्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, नो। हम लोग जो है जर्नली बेटा, क्योंकि आपके जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ये डिटर्जेंट्स जो हैं बेटा, ये आपके हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ क्या करते हैं, लेदर की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास हार्ड वाटर होगा या सॉफ्ट वाटर होगा तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, लेदर को बनाएंगे, फोम प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नो, बिकॉज डिटर्जेंट कैन फॉर्म लेदर वेल इवन इन हार्ड वाटर। सो दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू चेक वेदर द वाटर इज हार्ड। तो इस वजह से हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि हमारा जो वाटर है ये हार्ड है कि सॉफ्ट है डिटर्जेंट का यूज करके। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ्स, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ ऑन स्टोन और बीट विद ए पैडल स्क्रब विद ए ब्रश और द मिक्सचर इज एगिएटेड इन ए वॉशिंग मशीन। वाई इज एगिएशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप लोगों ने जर्नली अपने घर में देखा होगा कि जब कपड़े धोए जाते हैं तो उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। भाई मम्मी जब कपड़े धोती है घर पे तो क्या करती है, बार बार कपड़े को कूटती है कि नहीं कूटती है? एक बैट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बल्ला जैसा, उससे कपड़ों को धोबी क्या करता है, पीटता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्यों किया जाता है, क्या ये जो पीटने की प्रोसेस है क्लोथ्स को, इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है, क्या ये नेसेसरी प्रोसेस है? तो यहाँ से हम लोग जो है इसके आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो ए सोप मॉलिक्यूल हैज़ टू पार्ट्स, नेमली हाइड्रोफिबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो देखिए हमारा जो सोप मॉलिक्यूल होता है इसके पास जनरली दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। अब इन दोनों पार्ट की हेल्प से क्या करता है, जो भी हमारे क्लोथ्स में ग्रीस और डर्ट होती है ये क्या करता है, उसको अटैच कर लेता है और उसका एक क्लस्टर बना लेता है, एक झुंड जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब ये जो मिसल्स होती हैं बेटा आपकी, ये आपकी कोलाइड के साथ, जो भी आपका कोलाइडल सोल्यूशन होता है उसके साथ क्या कर जाती हैं, रिमेन हो जाती हैं, रह जाती हैं। तो इन सभी मिसल्स को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो आपकी मिसल्स बन गई हैं जिनके अंदर डर्ट पार्टिकल्स भी हैं, ग्रीस भी है आपका, अब इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, कपड़ों को एगिएट किया जाता है, इनको पीटा जाता है और इनको बहुत तेज़ी से रब किया जाता है। जो भी आपका जो क्लस्टर बना हुआ है मिशेल का, जो भी आपकी डर्ट है वो आपके क्लोथ से रिमूव हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के NCERT के फुल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हुआ होगा लेकिन आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को जो है नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में जा कर के जो है ये सभी क्वेश्चंस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो है चैनल को खूब शेयर करो और इसी तरीके से आप लोग जो है अपना सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को और भी कोई टॉपिक में डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ।